हेलो हेलो, मैं हूँ अभिषेक जैन और स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 14-inch कोड लैमिनेशन के बारे में। हम अभिषेक प्रोडक्ट शॉप से हैं बाय एसके ग्राफिक्स। हमारा ऑफिस सिकंदराबाद में है और अगर आप इस मशीन को ऑर्डर करना चाहते हैं और इस मशीन के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कीजिए। तो इस बेसिक मशीन के बारे में इसका डेमो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मशीन है ये है 14-inch का कोड लैमिनेशन मशीन। ये जो रबर रोलर आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये 14-inch का है। इसका हम लोग अभी आपको जूम करके दिखाते हैं। तो ये जो 14-inch का ये हो गया रोलर, 14-inch का रबर रोलर, और ये हो गया 14-inch का मेटल रोलर। ये इस रोलर को हम लोग मेटल रोलर कहेंगे। यहाँ पे दो हिंज दिए गए हैं, हिंज नंबर 1 एंड हिंज नंबर 2। इस हिंजस के थ्रू आप इस रोलर की जो हाइट है उसे ऑल्टर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दो हिंज हैं। हमें दोनों हिंज को यूज़ करते हुए इस रबर रोलर की हाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि ये जो रोलर है बहुत ही अच्छा गैप हो गया दोनों रोलर के बीच में। तो इतने जब इसमें आपका इतना बड़ा गैप हो तो आप इसके अंदर फ़ोटो फ्रेम डालिए, कोई फ़ोटो आर्टिकल डालिए, या फिर कोई बड़ा MDF बोर्ड डाल के भी आप इसको लैमिनेशन कर सकते हो। कोई मोटा एक्रेलिक का बोर्ड हो, एक्रेलिक लैमिनेशन करना हो, तो वो भी आप इसके अंदर डाल के कर सकते हैं। पर मान लीजिए आपका वो बिज़नेस नहीं है, आपका नॉर्मल एक फ़ोटो स्टूडियो है और आपको बस पेपर या स्टिकर शीट या फिर PVC शीट या फिर नॉर्मल एड ऑन का जो स्टिकर होता है उसे आपको कोड लैमिनेशन करना है, ID कार्ड बनाना है उससे, तो आप क्या करेंगे, हिंज को थोड़ा नीचे कर लेंगे। जब ये हिंज नीचे हो जाता है तो इसका गैप बहुत ही छोटा हो जाता है और इसके अंदर सिर्फ अब पेपर जा सकता है। कोई एक मोटा आइटम 6 mm या 10 mm का कोई बड़ा आर्टिकल नहीं जा सकता इसके अंदर। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में आप इसे ID कार्ड के लिए यूज़ कर लीजिए, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में फ़ोटो फ्रेम्स के लिए यूज़ कर लीजिए। साइड में इस मशीन के हैंडल दिया गया हुआ है। जब ये हैंडल घूमता है, ये जो हैंडल है नीचे के इस मेटल के रॉड को गोल घुमाता है, और क्योंकि ये नीचे का मेटल रॉड, मेटल का जो रोलर है ये रबर रोलर से कनेक्टेड है, ये ऊपर के रबर रोलर को भी गोल घुमा देता है। तो अब एक बेसिकली मैं आपको एक पेपर लैमिनेशन करके दिखाता हूँ और आपको आइडिया देता हूँ कि ये कोड लैमिनेशन मशीन किस तरह से ऊपर का जो ग्लॉजी मैट वेलवेट अलग अलग तरह के जो लैमिनेशन होते हैं, फिनिशिंग होती है, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, और इसको एक नॉर्मल पेपर को आप स्टिकर कैसा बना सकते हो, उसके लिए ये मशीन कैसा यूज़ करना है, उसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में अभी दे देता हूँ। तो अभी इसका डेमो, मैं आपको एक बेसिक डेमो एक आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे एक फोम बोर्ड। ये जो फोम बोर्ड है आपको बहुत ही कॉमन स्टेशनरी में मिल जाएगा। फोम बोर्ड का हमने इस तरह से टाइट कर दिया है, टाइट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इस वक्त ये बहुत टाइट हो गया, आगे हिल ही नहीं रहा है, तो आप इसे थोड़ा लूज करेंगे। हाँ, अब ये फोम बोर्ड जो है आसानी से हिल रहा है, ये आसानी से आप इसे मैनेज कर सकते हैं, और अगर मैं रोलर से भी घुमा रहा हूँ तो ये घूम रहा है। तो इस तरह से ये फोम बोर्ड सेट हो गया है, इसे थोड़ा सा और हम लोग टाइट कर सकते हैं। अब अगर आप थोड़ा अच्छी तरह से इसे टाइट करेंगे, ना कम ना ज़्यादा, तो आपके जो लैमिनेशन है उसके अंदर क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा आएगी। So, ये है ग्लॉसी लैमिनेशन फिल्म। ये एक ग्लॉसी लैमिनेशन फिल्म है, ये एक तरफ से चमक रही है और पीछे तरफ इसका स्टिकर है। तो इसे कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले आपको इसका थोड़ा सा स्टिकर इस तरह से बेंड करना है, इस तरह से ये जो ट्रांसपेरेंट फिल्म है, ये ट्रांसपेरेंट फिल्म इसकी बाहर आ जाएगी। अगर आप ये ट्रांसपेरेंट फिल्म भी हमसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस ट्रांसपेरेंट फिल्म को मैंने इस तरह से बेंड कर लिया है, इस तरह से इसके ऊपर, और हमें इसको पेस्ट करना है। सबसे पहले पेपर को इस तरह से क्रीजिंग दे दीजिए हाथ से, ताकि जो ये फिल्म है ये आसानी से मैनेज हो जाए। अब ये जो फिल्म ली हमने, इसको यहाँ पे हाथ से चिपका दी, रोलर इस तरह से टाइट कर दिया उसे रोलर के ऊपर, फिर पेपर को इस रॉड के थ्रू अंदर डाल दिया। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। अब हम हमारा पेपर लेते हैं, ये मेरा पोस्टर है, ये हमारे अभिषेक आईडी कार्ड का एक सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर है जिसे मैं अभी आपको लैमिनेशन करके दिखाने वाला हूँ।
तो हमने इस तरह से इसको पेपर अंदर डाला, इसको इस तरह से प्रेस किया, पेपर को थोड़ा सा निकाल लिया, पेपर को इस तरह से निकाल लिया, हमारे पेपर को इस तरह से इस पर फिट कर दिया। इस तरह से हम लोग इसे गोल घुमा रहे हैं। गोल घुमाने के कारण जो ट्रांसपेरेंट फिल्म है हमारी वो इसके ऊपर चिपकती जा रही है और ऊपर से मैं पेपर खींचते जा रहा हूँ और ये लैमिनेशन हो गया। लैमिनेशन यहाँ पेपर जो है लैमिनेशन हो चुका है, यहाँ फोम बोर्ड यहाँ पे खत्म हो चुका है, जो हमारा लीफ पेपर था वो यहाँ आ चुका है, जो लैमिनेशन की लेयर थी वो इसके ऊपर चिपक चुकी है। अब इसको हम लोग थोड़ा और टाइट करके पीछे की तरफ रिवर्स घुमा देते हैं ताकि और अच्छी तरह से प्रेसिंग हो जाए। ये प्रेसिंग यहाँ पे अच्छी तरह से हो गई है। ये अभी हम स्टिकर निकाल रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा फिल्म जो चिपक गई थी, जो एक्स्ट्रा फिल्म वेस्टेज में चली गई थी, उसे हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ये हमारा कोल्ड लैमिनेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आप इस मशीन के थ्रू नॉट ओनली ग्लॉजी वेलवेट या फिर मैट या 3D लैमिनेशन कर सकते हो, बट आप इस वीडियो इस मशीन के थ्रू आप माउंटिंग भी कर सकते हो। माउंटिंग का मतलब डबल साइड टेप, डबल साइड गनिंग। तो वो किस तरह से करेंगे तो आप मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। ये मैंने पहले ही ये जो माउंटिंग है, ये जो मैंने माउंटिंग आपको पहले ही निकाल कर रखी है, इस माउंटिंग में दोनों तरफ पेपर है, दोनों तरफ गमिंग है और इसे हम लोग इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से इसको निकाल लिया, ये इसका रिलीज पेपर है, ये इसका गमिंग पेपर है, राइट। तो आपको करना ये है, इस तरह से फर्स्ट पेपर को बेंड करना है। तो इसमें आपको इसके तीनों लेयर दिख जाएंगे, पीछे का रिलीज पेपर, आगे का रिलीज पेपर और बीच की ट्रांसपेरेंट फिल्म जहाँ पे गमिंग होती है। सेम आपको सिंपल काम करना है, इस तरह से उसे निकालना है, इस तरह से फर्स्ट पेपर को क्रीजिंग देनी है, पेपर को क्रीजिंग दे दी, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, पेपर को घुमाना है, इस तरह से फोम बोर्ड के ऊपर चिपका देना है। अब क्योंकि ये आसानी से मैनेजेबल है, क्योंकि अब ये आधा चिपक चुका है, ये बहुत आसानी से मैनेज हो जाएगा। अब आप अपना जो पेपर स्टिकर शीट है, स्टिकर शीट का जो बैक साइड है वो इस तरह से मशीन में डालेंगे, रिलीज पेपर आधा ऐसे निकाल लेंगे, मशीन का रोलर हल्का सा घुमाएंगे, धीरे धीरे इसकी जो माउंटिंग है, डबल गम टेप है, वो इस पर चिपकना स्टार्ट हो जाएगी। एक हाथ से ये रिलीज पेपर ऊपर का पकड़ेंगे, इसे ऊपर की तरफ खींचते जाएंगे, दूसरे हाथ से रोलर घुमाते जाएंगे। बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। और एक बार ये पूरी तरह से घूम चुका है, इस तरह से आप इसे स्लोली आराम से पकड़ के खींच के निकाल सकते हैं। खींच के निकालने पे इस पर बैक साइड जो है पीछे स्टिकर आ गया, डबल गम टेप का स्टिकर है, इस पर जब हम रिलीज पेपर हटाएंगे तो ये पीछे स्टिकर बन जाएगा और आगे की तरफ तो लैमिनेशन है ही। अब इसकी फिनिशिंग आप कैसे देंगे, फिनिशिंग आप इसे फर्स्ट कैंची से काट देंगे, जो एक्स्ट्रा शीट कटा हुआ है, बचा हुआ है। यहाँ पीछे से मुझे क्रीजिंग दिख रही है कि पेपर यहाँ ख़त्म हो गया है, तो आप पीछे से देख के भी काट सकते हो या फिर आगे से देख के भी काट सकते हो। इस वक्त मैं सीजर्स यूज़ कर सकता हूँ, बट आप और कन्वीनियंस के लिए रोटरी कटर यूज़ कीजिए, हम लोग रोटरी कटर भी प्रोवाइड करते हैं, सेल करते हैं, और उससे अगर आप कटिंग करेंगे तो काम बहुत ही आसानी से और बहुत ही फास्ट हो जाएगा और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग में होगा। तो ये इस तरह से हमारा पोस्टर रेडी हो गया, इट इज़ रेडी टू बी यूज एंड रेडी टू बी डिलीवर्ड टू द क्लाइंट। जब आप इसे कस्टमर को देंगे, क्लाइंट को देंगे, तो वो पीछे से इस तरह से स्टिकर निकाल लेगा। इस तरह से बंदे ने स्टिकर निकाला, यहाँ पीछे गमिंग है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पीछे जो है यहाँ पे गमिंग है, ये चिपक रहा है पीछे की तरफ, तो बहुत ही अच्छी स्ट्रांग गमिंग है। और इस तरह से वो निकाल के किसी भी दीवार के ऊपर या किसी भी पोस्टर के ऊपर या किसी भी पिलर के ऊपर या कहीं भी जहाँ भी उसे चिपकाना हो, इवेंट के अंदर या कहीं फोटो फ्रेम हो, कहीं फोटो स्टूडियो हो, तो उसे चिपकाया जा सकता है।
ये सेम मशीन और ये सेम मेथड ए टू जेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप आईडी कार्ड बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इस वक्त हमने एक आईडी कार्ड का पोस्टर प्रिंट किया है, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग आईडी कार्ड पोस्टर आप यहाँ पे 1319 पेपर के अंदर आईडी कार्ड्स डाल दीजिए। ये 1319 के अंदर आई बिलीव 25 आईडी कार्ड्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे 25 आईडी कार्ड्स आ जाएंगे। बस आप फिर उसको डाई कटर के अंदर लेना है और उसे डाई कटिंग की पंचिंग करना है। तो ये सेम मशीन जो है आपकी फोटो स्टूडियो में काम आ जाएगी, आईडी कार्ड में काम आ जाएगी, फोटो फ्रेम्स के लिए काम आ जाएगी। और बहुत ही वर्सेटाइल मशीन है, ये 14 इंच की मशीन है। इसी 14 इंच का मशीन का जो हम लोग आपको ये 25 इंच में भी सप्लाई कर सकते हैं, 30 इंच में सप्लाई कर सकते हैं एंड 40 इंचेस तक भी सप्लाई कर सकते हैं। यही सेम मशीन का मॉडल, जो बड़ी मशीन है उसका हम लोग आपको फ्यूचर वीडियोस में आपको उसके बारे में बता देंगे। बट हाल फिलहाल के लिए अगर आप ये मशीन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए और आपका विजिटिंग कार्ड मैसेज कर दीजिए। हम लोग वहाँ से आपकी पूरी इंक्वायरी या फिर आपकी पूरी रिक्वायरमेंट समझ के आपको मशीन का सजेशन दे देंगे और इसकी पूरी बिलिंग डिटेल्स और पार्सल डिलीवरी और होम डिलीवरी का जो भी मेथड है वहाँ से आपको पूरी तरह से समझा देंगे, बता देंगे। थैंक यू। व्हाट्सएप नंबर लेंगे।